गोरखपुर और फूलपुर के बाद अब कैराना में बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष ने ताल ठोकती है। सपा बसपा के गठबंधन के बाद आखिरकार कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दे ही दिया। दरअसल कांग्रेस ने साफ कह दिया कि वो इन चुनाव में अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारने वाली। पार्टी के इस कदम को एसपी बीएसपी गठबंधन के लिए एक तरह से समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है। इस गठबंधन ने हाल ही में बीजेपी को गोरखपुर और फूलपुर में हराया था। ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस ने बिना कहे समर्थन दे दिया, उससे बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ने वाली है। उपचुनाव में मिली जीत से उत्साहित इस गठबंधन में उम्मीद जगी है कि अगर सही से अपनी रणनीति पर चला जाए तो 2019 में बीजेपी को हराया जा सकता है। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने साफ तौर पर कह दिया कि 28 मई को होने वाले किसी भी उपचुनाव के लिए वो अपने उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारेगी। बावजूद इसके कि इसी महीने के आखिरी में होने वाले उपचुनाव के क्षेत्रों में पार्टी की अच्छी पकड़ भी है। उत्तर प्रदेश की कैराना लोकसभा काफी वक्त से खाली है। कैराना के पूर्व बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह का निधन हो गया था और अब इस सीट से उनकी बेटी मृगांगा सिंह को टिकट दिया गया है। कैराना लोकसभा सीट में जाट और गुजरों की काफी तादाद है। वो यहाँ बड़ा वोट बैंक है। अब तक गुजर बीजेपी के साथ रहे हैं। अब पार्टी ने सिंपैथी वोट लेने के लिए मृगांगा सिंह को उतारा है और जिस तरीके से विपक्ष की एकजुटता दिखाई दे रही है, कहीं वो बीजेपी की मुश्किलें ना बढ़ा दें। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी इसके लिए क्या रणनीति निकालेगी। इस खबर को शेयर करना मत भूलिए। साथ ही हेडलाइंस इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।